बोल ले ले जो नहीं उसको भी ले लो। अभी लोगों के मन में है ये बात और मन की बात मन ही पर निपट जाए। सुन समझई जन मुदित मन। तो स्नान का एक है मुदित मन, तब है शब्द मज्जही। सुन समझई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जहां अनुराग शब्द जुड़ जाए वहां महाराज जो स्नान है वो मन का भी है, बुद्धि का भी है, चित्त का भी है और अहंकार का तिरोभाव है, अहंकार का मैल धुल जाता है। कितनी बढ़िया बात कह दी, छोटे होते तो कम से कम मुख चूम लेते। आपने एक बात कही थी कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाला ही पा सकता है। लेकिन एक प्रमाण यह भी कहता है कि मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो ये अनुराग होता कहाँ है? बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोहन भाग। अनुराग मोह गए बिन राम पद होइ न तृण अनुराग। अनुराग होता किसका? अनुराग कहाँ शरीर में रहता है कि मन में? अब मन का शरीर से बाहर है। बस इतना ही कह के बस बचाव हो सकता है। ये अनुराग शब्द जो बना है वो मन का ही बना, तन का उससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मन ही हमारा बंधन, मन ही मोक्ष, मन ही भक्ति। और तभी साधकों ने कह दिया श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन। तन की बात नहीं है मन की। जिस दिन हमारा मन परमात्मा के सुंदर चरित्र के सरोवर में स्नान कर लेगा उस दिन परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर हम चल पड़ेंगे। और मैं तो ये निवेदन करता हूं कि आप कुछ ऐसी कृपा करें कि ये मन परमात्मा के चरित्र के पावन सलिल में सत्य स्नान करता रहे, अनवरत शाश्वत चिरंतन लगातार अहर्निश अनुदिन यावत जीवन प्रत्येक क्षण प्रत्येक निशायम प्रत्येक अहिर्याम करता रहे स्नान। और ये भी सत्संग सब संतों की कृपा से सुला। हमारा आपके लिए विशेष साधुवाद है कि आपका मानसिक चिंतन इस दिशा की ओर अविरल गति से बढ़ रहा है। मन की आवश्यकता, मन का नियंत्रण, मन का समर्पण सर्वोपरि है, ऐसा आपका वक्तव्य आता है। उत्तर दिशा में नीलगिर पर्वत पर विराजमान काकभुसुंड जी जैसा महान ज्ञानी कभी कभी अपने वक्तव्य में इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि यही तन राम, यही तन राम भक्ति मैं पाई ताते मोहि ममता अधिकाई। हमने परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा के चरणों में अनुराग जो भी पाया है वह सब इस तन से पाया है। यही तन राम भगत में पाई। साधन हो गया ये तन साधन है। अगर तन ना होता ये शरीर क्या है? साधन है। लेकिन जो प्राप्त है वो क्या है? भक्ति। और भक्ति के बाद ममता बढ़ी तो ममता शरीर में नहीं बढ़ी, ममता का स्थान भी मन ही होता है। यही तन राम भजति मैं पाई
ताते मोहि ममता अधिक आई। तो ममता जो अधिक आई वो तन में नहीं आई, ये साधन है। जैसे हाँ बढ़ा रहे, जैसे पांव चलते हैं लेकिन कहा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति चला, जबकि व्यक्ति नहीं चला, पांव चलने के साधन है। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में साधन भी छूट जाते हैं। यह सब साधन ते नहीं होई, ये तो थोड़ी दूर हमें चलाते हैं और फिर साधन गौण हो जाते हैं, समर्पण प्रमुख हो जाता है। और समर्पण ये मन का ही विषय है। आपसे अधिक चर्चा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आप बड़े हम छोटे। क्यों विपिन, हाँ तुम लोग जा रहे हो तो एक बात हम तुम्हारे सामने उनसे कह दें कि ये धनुष हम बताए दे रहे, मेरे भाई ने तोड़ा और छुबत टूट रघुपति न दोषु। तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं, और शब्द देखो कितने छुबत, मतलब कर्ता विहीन शब्द है। फिर क्रिया पूरी है टूट, और फिर करने वाले के लिए रघुपति न दोषु। ये तीन शब्द की व्याख्या अगर कर ली जाए तो भगवत्ता की सत्ता इसी अर्धाली में प्रमाणित हो जाएगी। छुबत टूट, दूसरा रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करी कत रोसु। धनुष हमारे भाई ने तोड़ा है और टूट गया छूने से, फिर तोड़ने वाले का, फिर हम कह रहे तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। आप बिना काज ये अकारण रोष क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुजान, भगवंश अवतंस मुनि कवन अपराध पे भंग है ये चढ़ाते हो। पिनाकी और पिनाकी को बहुत ही जूड़ हो तो छूबत में टूट गयो ना ही पत्याते हो। आपकी सबत ना दोष कछु भ्राता को, चीन को अजीण के व्यर्थ इतराते हो। पीरन में भेर महावीर आप ईश्वर है तो सरासन चूल पे क्यों क्रोध दिखाते हो। कुमार लक्ष्मण आपका ये कथन कि चुवट टूट मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्यों ले तो चढ़ावत खैचत काढ़े, इतनी क्रियाएं की गईं तब ये धनुष खंडित हुआ। और आपका ये उत्तर कि चुवट टूट मैं अस्वीकार करता हूँ और साथ ही खुली चुनौती देता लक्ष्मण तुम्हें कि तेरी सीना चोरी सारी ये धूल में आज मिला दूंगा, तेरी सेकी सांत फुला करके सेकी का स्वाद चखा दूंगा। पटखटे अरे छठे छैल छबीले छुलबले तुम एक शंका खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं, ये दुष्टता का राग चमाचमी है। प्रतिचन करो में जब तो बड़े बड़े पीरों का कलेजा ही जाता है। सत्य है, मैं स्वीकारता हूं इसे। देखा आज मैं आपको बहुत साधुवाद दूंगा और आपका मैं इस उपकार का ऋणी भी रहूंगा। दुनिया के लोग आए भूप दीप दीप के भूपति एकत्र हुए, लेकिन इस वेशधारी का दूसरा स्वरूप आपको देखने को मिला पूरे परिसर में। क्या कोई परशुराम के अभिनय को करने वाला कोई आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़े बड़े पीरों के कलेजा हिल जाता है, रक्त का प्यासा जहर का बजाव बाबा। आज शाम को दीपावली और मनाएंगे बोलो, रक्त का प्यासा जहर का बजाव बाबा। सम्रांगण में सचमुओं के सीने तहलाता है, भागते हैं योद्धा मेरी ललकार सुन। चतुर्थ दिशाओं में अंधकार छा जाता है, युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि,
लाशों पर लाशों के खरंजे लगाता है। अरे पन के क्यारी सर फाके के पानी काल की निशानी तेरे शीश प्रणानी है। कहा कहानी की तुला तेरी चित्तानी हुई है कुलहानी, ये ठान छाम तूने ठानी है। ये पटवास पड़ियो रखियो ना चाम तोरी, ये खोद के भाइयों तो रस्थानी है। भोले हुई जाओ अरे कुल कौशिक के कमन मास तुम, ये प्रोग्राम करियो मन की मन चूर कर चिकता छपेटती चला थार लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में दिक्कत दहल जात आई फल भड़क जात कॉल कंटमक जात दिक्कत फेरे में चटाक चटाक चट टूटती कमट की पेट मंदता दिखाई दे अरके उजेले में प्रबल प्रताप रघुवंश मारतंड लख बड़े बड़े योद्धा उलूक सम लुकते हैं अंधेरे में। अरे भगत है पतूनी ये बचचात है पिलोपाल प्रथा परचोरी पात पैर की पढ़ावे रे तेरो तेज तमक तमक तीन त्योरी तीन ताव ताई छां ये शिष्य संकर नसावे रे लखन लखाय रे लाल लड़चरेंगे लोग ये लाल लोहो ये लाभ लोहा उठावे रे छोकरे ने छेड़ छक्के छूटे छत्री पर छक्के और तेरी क्या विसात जो कोई फिर सन्मुख आवे रे। हेलो हाँ उपस्थित रामलीला प्रेमियों बहुत ही रोचक संवाद प्रभावित हुए हैं भैया राजन तिवारी करोवन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। आप हैं पंडित अरविंद जी त्रिवेदी आचार्य जी आपके द्वारा भी 101 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 101 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। आप हैं भैया उमाकांत त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। आप हैं लल्लन शुक्ला मवैया आपके द्वारा भी 25-25 श्रद्धा सुमन पर दत्त हैं। आप हैं शैलेंद्र कुमार तिवारी रामनगर आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। आप हैं मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर एवं घड़ी आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। आप हैं भैया राम बाबू जी अग्निहोत्री रामनगर शिवली आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन प्रदत्त हैं। और आप हैं भैया राजकुमार जी वर्मा रामनगर शिवली आपके द्वारा भी 51 श्रद्धा सुमन प्रदत्त हैं। और आप हैं भैया राम जी अग्निहोत्री जिला पंचायत सदस्य रामनगर शिवली भैया राम जी अग्निहोत्री जिला पंचायत सदस्य रामनगर शिवली आपके द्वारा भी 551 श्रद्धा सुमन भार्गव भूषण परशुराम के श्री चरणों में एवं 551 श्रद्धा सुमन सौमित्र भैया लक्ष्मण के श्री चरणों पर दत्त हैं। सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप पहचान रहे हो कि नहीं? किसको? इनको छोड़ो हम ही को बताओ। तुम कौन ही खेत के मूली हो? अच्छा जब आशीर्वाद की खाद लगाई थी तब तो अच्छा समझा था कि उर्वरा भूमि है। हमें क्या पता था कितना बड़ा बंजर निकलेगा। अरे बंजर होता तो फिर ये आता ही कैसे? बंजर तो नहीं था, देखा था कि बढ़िया है पौधा दी। नहीं बंजर में फसल थोड़ी उगती है, कांटे वाले बबूल उगते हैं। अच्छा तो उनमें कोई खाद लगाएगा उर्वरक का प्रयोग फिर? और आपने तो दीन आशीष देख फल, न कांटा था न कुछ था, शब्द है बाल, तो पहचानो हम कौन है। नहीं तो हम बता रहे व्यास जी जरा बजाओ। मैं तुम्हार अनुचर मुनीराया। कौन है हम आपके अनुचर?
परी हरि को क्रोध त्यागिए करिए अब दाया। अब महाराज दया करो, धनुष टूट गया जुड़ेगा नहीं, क्यों? टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। अब आप बैठे, आपके पैर थक गए हो, और अगर धनुष प्रिय हो तो कोई उपाय करो और इसको जुड़वा लो, और अगर ये भी अप्रिय लग रहा हो तो अब आने। बिहुवरिया बोली और तुरंत देव मैं बुलाए, हम थैली खोल करके तुरंत चुका। कुमार लक्ष्मण, ये थैली आप खोलेंगे और ये थैली हमारे भगवान शंकर का ऋण है। उतरते तो छाणो बिनु मारे, बिना मारे छोड़ता हूं। महामुन विश्वामित्र का शील स्मरण आता है, अन्यथा नतयु काटी कुठारो कठोरे कुरई उरण। बहुत कम श्रम लगता, आज गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गुरु को बुला लूं, सारा ऋण आप चुकता कर देंगे। कुमार लक्ष्मण, ये सब उपस्थित भक्तगण भगवान के भक्त हैं, और भक्त हैं तो हृदय में भक्ति है, और भक्ति कब आती? जब विश्वास होता। बिन विश्वास भगत नहीं, तहिविन त्रमई क्राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और विश्वास क्या है, ये पूर्व में प्रमाणित हो चुका है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, भगवान शंकर विश्वास का रूप है। ये भक्त हैं तो भक्ति है, भक्ति है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं सबके हृदय में भगवान श्री शंकर जी का वास है। इसलिए अलग अतिरिक्त बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और फिर जहां ओंकारेश्वर धाम में प्रभु अपने नूतन वेश में विराजमान हो, वहां इसकी आवश्यकता पूर्णतया नगण हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम कठोपनिषद का आश्रय लेते हैं, क्योंकि पूर्व में भी वक्ताओं को अपना समय मिल गया था, इसलिए अतिरिक्त कुछ और न कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्यो भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब शुभ दर्शन करें। परम पिता परमात्मा की अयुत की कृपा सब पर सतत बनी रहे, यही मेरी उस परात्पर ब्रह्म से प्रार्थना है। प्रार्थना बचहु विचार बंधु लग तोरा राघव, ये तुम्हारा छोटा बंधु नहीं होता तो हमने जाने कब इसका वध कर दिया होता। ये केवल इसलिए बच रहा है कि ये तुम्हारा अनुज है। अनुज तन सुंदर कैसे विश्रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर, इसका मन मैला है, तन सुंदर है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है राघव जैसे किसी ने स्वर्ण कलश में भर करके पिस रख दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। सुन लक्ष्मण भी ऐसे बहुरी
नैन तेरे लाभ, गुरु समीप गवले सकुच परिहर बाणी बाब अति बिलीत ब्रदुसी काल बोले राम जोरी जुग धर्मात्मा। हमारे अनुज लक्ष्मण के द्वारा जिन जिन कटुवाक्यों का प्रयोग आपके प्रति हुआ है, उन वाक्यों में जो शब्द आपको अप्रिय लगे हों, उन सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा ये करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना की श्रेणी में इसको भी रखें, तभी इसका भी कल्याण होगा। इस आशा के साथ अनुनय विनय आपके श्री चरणों में करता हूँ। सुनहु नाथो तुम सहज सुजान, आप तो सहज ही सुजान हैं, ध्यान गया भैया की ओर। बालको बचनो करिए नहीं कान, भैया के द्वारा कहे हुए, बालक के द्वारा कहे हुए बचनों पर आप कान न करें अर्थात ध्यान न दें, क्योंकि भगवान बर रहे बालको सुभाव, अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे। अवश्य राघो इन्हीं नो संतो विदुषयिकाव, आप जैसा ज्येष्ठ प्रबुद्ध महात्मा योगी महापुरुष इस पर दोष दर्शन नहीं देखते, दोष नहीं देखते, मेरा आपसे निवेदन है। ते ही नाही कछु काजो बिगारा, अपराधी में नाथो तुम्हारा, चाहता हूँ कृपा कोप बधो बंधबो बद कर दे या बांध ले, बधो बांधबो गोसाई मुँह पर करिए दास की नाई। यदि आपका क्रोध हमारे द्वारा प्रयुक्त वाक्यों से अभी भी शांत न होता हो तो हे प्रभु कहिए बेगी जे ही विधि ऋषि जाई, जिस तरह से आपका क्रोध शांत हो सके, जे ही विधि ऋषि जाई मुनि नायको सोई करिए उपाय, मुनि नायको सोई करिए उपाय। राघवेंद्र आप कहते हैं कि तुम्हारे क्रोध समन का जो भी उपाय हो आप हमें बताएं। अरे मेरे क्रोध समन का उपाय पूछने से पूर्व राघव एक बार इसकी ओर मुड़ करके देखो, यही के कंठ उठार लगी तो मैं कहा कोप कर की ला। आज तुम्हारे बंधु के कंठ में राघव हमने अपना ये कठिन कुठार नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ राम, मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं पूज्यवर, क्योंकि जब मैं अवध से चला था तो मेरी माँ ने मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में सौंप कर कुछ कहा था,
हे भगवान, आप मेरी माँ के द्वारा कहे हुए चंद वाक्यों को एक बार सुन लें। आप तो सर्व सामर्थ्यमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, मिल जाते हैं इस जगत में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बा रंबार। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथों हमें दे करो, हे तातु सोपती यह लालो तुम्हें जाना कानन में संग ले कर। हे पुजवर, यदि आप लखन को प्रभु मारे तो जा अवध नबू दिखलाऊंगा, भाई संग अपना प्रभु कटा शीशो, मैं भी संग में मर जाऊंगा। हे पुजवर, मैं आपके श्री चरणों में करवत प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, आकुलो व्याकुलो कवि लालो प्राणो, ये मेरे भैया को मुनि दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु को करो, ये भाई संग भाई जीने, क्योंकि भगवान ये माँ की गोदी का नौ निहालो, प्यारे पितु का प्रिय वात्सलालो, मेरे प्राणों का है प्राणों धारू, मैनु की पुतली प्रण तो पालू। हाँ साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम जी ने लोक शिक्षा का पाठ इस संसार में जो पढ़ाया, भाई के प्रति भाई का क्या स्नेह है, पिता के प्रति क्या एक पुत्र का भाव है, इस संसार में प्रत्येक रिश्ते को भगवान श्री राम जी ने किस तरह से इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया, आज वही स्थिति भगवान श्री राम जी के समक्ष में जिस समय आई, प्रभावित हुए हमारे मिंटू बाबा, रामलीला के बड़े ही रसिक हैं और इनके द्वारा भगवान की लीला का भी दर्शन इस शिवली नगर में कराया जाता है। आपने 21 पत्र मुद्राएं राधे कटियार, आपकी ओर से 25 पत्र मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और परशुराम जी के भी चरणों की पूजा हमारे राधे भैया ने 25 पत्र मुद्राओं से की,
और 25 पत्र मुद्राएं राधे मैया ने लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित किए हैं। कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, हमने अभी तक किसी से प्राणों की भिक्षा नहीं मांगी, पर मैं आज अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांग रहा हूँ। हे महिदेव, भगवान भिखारी है मांगो रहा। नहीं राम, क्या मांग रहा है? ऐसा मत कहो राघव, ये भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा प्रभु बध करके पूरण कर लो उरो की इच्छा। क्योंकि भगवान मैं बिना लखन के भगवान किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी यह ललन कहाँ, तो क्या कह करो समझाऊंगा। हे भगवान, हम दोनों भाई पूज गुरुदेव भगवान के साथ इस मिथिला समाज में आए हुए हैं, आप इसका वध कर देंगे, मुझे छोड़ देंगे, वापस अयोध्या जाऊंगा। माताएं पूछेगी कि राम भैया लक्ष्मण कहाँ है, तो बताओ बताओ भगवान, मैं अपनी माताओं को कौन सा उत्तर दूंगा, मैं उनको अपना मुख कैसे दिखा पाऊंगा। इसलिए एक और छोटा सा निवेदन मैं आपके श्री चरणों में करता हूँ। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे प्रभु छोड़ दो अब इसको, मुझको समाप्त तो कर दो पहले। हाँ साथियों, हमारे आदरणीय अष्ट साहब श्री अशोक कुमार जी शुक्ल, आपके द्वारा इस आयोजन में आए हुए प्रत्येक मेहमान कलाकार का अभिनंदन किया गया, पुरस्कृत किया गया। मास्टर साहब को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपने 101 पत्र मुद्राओं से परमात्मा श्री राम जी का पूजन किया गया और सभा मध्य उपस्थित हमारे लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी हमारे बड़े भैया हैं और मैं जो बोलता हूँ उस पर वो विशेष ध्यान देते हैं। आपने भी 51 पत्र मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया, 51 पत्र मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया, 51 पत्र मुद्राओं से लक्ष्मण जी का पूजन किया और हम भैया से चाहेंगे आप व्यास भगवान का भी पूजन 51 पत्र मुद्राओं से आपने किया। हम अपने बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और मिंटू बाबा जिनका बड़ा ही सुंदर प्रतिष्ठान विदेह, ये विदेह नगरी रही शिवली, यहाँ धनुष लीला को विशेष स्थान दिया जाता है। हम कहते लोगों से बांधापुर कि जितने तुम्हारे क्षेत्र में कार्यक्रम होते उतने हमारे नगर कार्य होता है। आज श्री राम रसिक और शिवली नगर का जो अधिष्ठाता प्रणेता प्रजेता हमारे आदरणीय मुन्नू भैया, जिनका जीवन श्री राम के चरणों में ही समर्पित रहा, आज परमात्मा ने हम सबकी सुनी और ऐसे विनायक को श्री का प्रमुख बनाया। 14 तालियों से सभी लोग स्वागत करें। भगवान या यह अच्छा है एक साथ हो। भवानी शंकर अग्नोत्री, आपने 51 पत्र मुद्राओं से परमात्मा श्री राम जी का पूजन किया है,
और 51 पत्र मुद्राओं से आपने भगवान परशुराम जी का भी पूजन किया है, कोट कोट साधुवाद। और 51 पत्र मुद्राओं से भवानी शंकर जी ने भगवान लक्ष्मण जी का भी पूजन किया है, कोट कोट साधुवाद। भवानी शंकर पर भवानी कृपा हमेशा बनी रहे। दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त तो एक ही चिता में जल जावे, तो ना करना मेरे भगवनु मम हृदय मिला देना स्वामी, गल बहिया डाले हुए युगलो हमको लपेट देना स्वामी, आखिरी बिनय यह राम करे फिर दया पे बचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवनो एक ही साथो बहा देना। नहीं माधव, आपने हमें राम अवगत कराया कि मैया ने चलते समय कहा था। हाँ साथियों, आप हैं विदेह मैरी झाल, विदेह मैरी झाल जिसके मुख्य व्यवस्थापक हमारे मिंटू बाबा। मिंटू बाबा ने पुनः 21 पत्र मुद्राओं से भगवान श्री राम जी का पूजन किया है, कोट कोट साधुवाद। मिंटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राघव, आप चार भाई हैं और हम पांच भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूं, मुझसे बड़े चार भाई, और इन चारों भाइयों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अपना अपना आश्रम सरस्वती के तट पर बना के वैयक्तिक जीवन का निर्वाह करने लगे। मैं घर में सबसे छोटा था, ब्रह्मचारी बना रहा और ब्रह्मचर्य से सीधे हमने संन्यास में प्रवेश कर लिया। राघव, माँ मेरी मेरे साथ रहती थी। एक दिन काल का चक्र आगे बढ़ता चला गया और माँ के जाने का समय आ गया। राम, माँ कुशासन पर लिटा दी गई, समस्त ऋषि मंडल उपस्थित था, मैं भी वहीं खड़ा था। राम, माँ ने मुझे संकेत से बुलाया, मेरा हाथ अपने वक्षस्थल पर रखते हुए कहा, परशधर, जाने कितनी माताओं की गोद रिक्त की, जाने कितनी बहनों को भाइयों की कलाई में राखी बांधने से वंचित कर दिया। आज वचन दो, आज के बाद किसी भाई को भाई से पृथक नहीं करोगे। इतना कह करके राम, माँ ने जीवन की अंतिम सांसों को समाप्त किया। माँ संसार छोड़कर सास सदा के लिए चली गई। अब माँ नहीं दिखाई पड़ती, जिस दिन माँ नहीं होती राम, उस दिन से पुत्र को मर मर कर जीना पड़ता, और जिस दिन ये पुत्र नहीं होते राघव, उस दिन माँ जीते जी मर जाती। राम, माँ जीते जी मर जाती। आज मैं अपने अतीत का स्मरण करता, जब मैंने संन्यास लिया तब मेरे बड़े भाई भी बहुत दुखी हुए। आज आपका अनुज
इसी दिशा की ओर बढ़ गया, आपको अवश्य होगा दाम। लेकिन आज आज के बाद फिर आपको कभी क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी। आज के बाद फिर आपको इस रूप में भ्रात का दर्शन नहीं होगा। राघव कैसे प्रहार कर दूं? आपके ने मुझ से इतने समय कहा, मेरी माँ ने संसार से चलते समय कहा, अपने भाई को इस पृथक न करना। राम अरमैया ने जो वचन कहे वह भंग नहीं, अपने तुवा इन प्रबल परसु की ज्वाला में, सौ मित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो है राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसा लाए थे लौटा देना। उस तड़प रही ने मैया को, ये भ्रात प्रेम के दो प्रतीक, अब पावन भाव तुम्हारा होगा। युग युग तक इतिहास चिंतन, राघव अमर तुम्हारा होगा। चौराम जिसको जीवन दान दे दिया उसका बलिदान नहीं होगा। पंथ को ले जाओ, पंथ को ले जाओ। हाँ साथियों, आए सत्यदेवजी दीक्षित, आप इक्यावन पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, इक्यावन पत्र मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में, इक्यावन पत्र मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। आदरणीय श्री विनोद जी शुक्ल, जो कि एक हमारे रामलीला के रसिक भी हैं और जिन्होंने पूरा अपना जीवन राम के प्रति ही समर्पित किया, जनक का सुंदर अभिनय आपके द्वारा प्रस्तुत हुआ, कई एक मंचों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाया। आप ऐसे हमारे प्रबुद्ध पंडित श्री विनोद जी शुक्ल, आपके द्वारा भी परमात्मा श्री परशुराम जी का पूजन 51 पत्र मुद्राओं से, परमात्मा लक्ष्मण राम जी का पूजन 51 पत्र मुद्राओं से, परमात्मा लक्ष्मण जी का पूजन 51 पत्र मुद्राओं से किया है। मात्र एक मिनट का हम समय चाहेंगे और हमारे सन्निकट में हमारे प्रेरणा स्रोत और शिवली नगर का कार्यक्रम होता है और प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी विशेष रुचि रखने वाले हमारे परम सत्य पंडित ओम प्रकाश जी मिश्र एडवोकेट वकील साहब के नाम से सारे नगर में प्रचलित हैं। चाचा श्री की ओर से 51 पत्र मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं परमात्मा राम जी के चरणों में, 51 पत्र मुद्राएं परमात्मा लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। हमारे सन्निकट बड़े ही उच्च कोटि के लक्ष्मण अभिनेता ग्राम बरौर से आप उपस्थित हुए और हमारे अग्रज परम सत्य श्री अरविंद महाराज जी के शिष्य हैं, आपने समय दिया। इन्होंने भगवान की लीला में आज के इस विराम इत श्री जो भगवान लक्ष्मण जी के स्वरूप में हमारे अरविंद भैया ने किया, इसमें आप आए, इनका अभिनंदन किया। एक इनकी रुचि है कि राम जी की हम लीला में आए हैं और राम जी का अभिनंदन परशुराम जी का अभिनंदन न हो तो ये अधूरा रहेगा। तो हम अपने आदरणीय अवधेश भैया, हमारे अग्रज मुन्नू भैया जी से हम आग्रह करेंगे कि आपके सानिध्य परशुराम भगवान और राम भगवान का भी अभिनंदन हमारे राम जी भैया के द्वारा हो। आइए भैया। हेलो हेलो हेलो,
एक विशेष अनुरोध, जो भी प्रेक्षागार में बाबा भोलेनाथ के दरबार में लोग उपस्थित हैं, राम भक्त सभी से आग्रह है हमारे आदरणीय मुन्नू भैया का कि भोजन प्रसादी वे भंडारे का जो प्रसाद है आप सभी लोग ग्रहण करके ही जाएं। जय श्री राम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हंस तू बंधु सम बाम। आज तू भी अपने बंधु के समान हो गया है राघव। कुछ क्षण पूर्व आप हमें बोध कराते थे कि तिन नहीं, अरे तिन नहीं कछु काज बिकारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। लक्ष्मण ने कोई कार नहीं बिगाड़ा, अपराध आपने किया। अपराध क्या है? तोड़ दिया धनुष, तापवती पाड़ा अहमिति मनहु हाजीत जगठाड़ा। ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपने क्या तोड़ा है। वही टूटी बिना को पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। प्रभु यह धनुष छूने मात्र से टूटा है, भला अभिमान मैं किस बात का करूं? अगर हम ब्राह्मणों का अपमान करें तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके सन्मुख हमारा भयवश मस्तक झुक जाए। बे प्रसादा तो धरणी धरो हम, पिपा प्रसादात अजिता जितो हम, पिपा प्रसादात कमला बरो हम, पिपा प्रसादात मम नाम राम। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल के। अवंत का क्षेत्र में सादरों प्रांत श्रीहर ने सारंग देते हुए कहा था कि त्रेता के अंतिम चरण में इसी से तुम हमारी पहचान कर सकोगे। मनोज पांडे जी, खंड आ गया राघव। मैं चाहूंगा कि राम रमापति कर थन ले हो खई चहु मोर मिटे संदेह। देत चाप आप ही चल गयू, परशुराम मन विस्मय भयू, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाण स्तुत करत प्रेम हृदय अमात या समा। आपके अमल कमल की चरणों में हम सत्ता के सुमन समर्पित करते हैं। स्वीकार करे प्रभु, जैसे हित हो हमारा वही कार करे भगवन। ये वही नाथ की जय, वन चिमु हमारी उपारो, हे मारो शरण मैं तुम्हारी, इस उद्धार्थ नाथ था मैंने पुकारा। अरे जाना नहीं था कि अंतिम किनारा, न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था अस गौ कि अंतिम गति हो, न जाना था भगवान सुरों में से खरी हो, न जाना था सम्मन मानस के सरी हो, तुम्हीं नाथ योगेंद्र ये पुंगो खरारी
उपारू ये मारू शरण मैं तुम्हारी, कहे कटवाक मैंने ये जो कुछ भी स्वरों से वो केवल ये भूपति तनय के भरोसे, और नहीं दोस्त इसमें लखन है तुम्हारा, हुआ है वही जो तब मैंने विचारा, हुआ है वही जो थी मेरी विचार, इसी पान ब्रह्म की दिलेनी परिचा, जमा कीजिए काम लाल से सावतारी, उपारो ये मारो शरण हम तुम्हारी। प्रभु इस संसार में इस जनमानस ने इस सभा के अंतर्गत आपको अपनी आस्था श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितना भी बन सकता था उतना सब कुछ दिया। हम पर्वत पर रहते हैं, हम क्या आपको दे सकते हैं, केवल मेरे पास शब्दों की ही एकमात्र पूंजी है जो वाणी के माध्यम से हम समर्पित कर सकते हैं। आज प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के एकाग्र चित्र जब बैठा तो हृदय ने कुछ पंक्तियां हमें लिखने के लिए विवश किया। ये मेरा एक छोटा सा गीत है, इसमें चार पद हैं और दो दो पंक्तियों के हैं। एक पद में प्रथम में हमने आपका प्रारंभिक जीवन रखा, द्वितीय में आपका कार्य क्षेत्र, तृतीय में स्वयं की वेदना है और चतुर्थ में मैंने सबको एक साथ लिया है। मैं चाहूंगा प्रभु आप इसे स्वीकार करें, परंपरा के अंतर्गत तो अनेक बार आप लोगों ने सुना, मैं चाहूंगा प्रभु स्वीकारें। हे अविरल पथ के पथिक ललाम, ये भार को करता तुमको प्रणाम, कमला की हुई कोख पवित्र जब नारायण के तुम बने पुत्र, सौरी का सौर भी गूंज उठा, जन जन ने तुमको माना सुमित्र। ये कमला इनकी पूजनीय माता जी है और सद्धे पिता श्री श्री नारायण जी हैं और सौरी में आपका जन्म हुआ। मैंने तीनों को एक दो पंक्तियों में लिया, प्रारंभिक जीवन आपका। हे अविरल पथ के पथिक ललाम, ये भार को करता तुमको प्रणाम, कमला की कोक हुई पवित्र जब नारायण के तुम बने पुत्र, सौरी का सर भी गूंज उठा, जन जन ने जाना तुम्हें सुमित्र। 39 वर्षों की यात्रा विराम, ये भार को करता तुमको प्रणाम, अगणित पाथाएं मिली तुम्हें, ना रुके चरण कहीं बिना थके, तर्कों के तूफानों में तुम खड़े हिमगिर सा बिना झुके, और ज्ञान समर में जीता हर संग्राम, ये भार को करता तुमको प्रणाम, विपुल पार तुम मिले हमें। औधेसी तीन दशक की यात्रा करते करते इस स्वरूप में हमारा भी जीवन व्यतीत हो रहा है, 30 वर्ष हो गए। अनेक बार विपुल बार
आपसे हमारी मंचों पर भेंट हुई, लेकिन ये पिपल पार, अरे पिपल पार तुम मिले हमें, बहुत दुर्वचन कहे तुम्हें, मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, जो कहना था वो भी कहा, जो नहीं कहना था उससे भी अधिक आपको मैं कहता रहा। अरे पिपल पार तुम मिले हमें, बहुत दुर्वचन कहे तुम्हें, सागर सा विशाल हृदय सब सहा न कुछ कहा हमें, सागर सा विशाल हृदय सब सहा न कुछ कहा हमें, है चमा मांगता परशुराम, ये भार्गव करता तुमको प्रणाम। और प्रभु एक अंतिम प्रार्थना है, और इस अंतिम प्रार्थना में हमने सबको साथ लिया, अवधेश का संरक्षण सदा मिला, एक वो अवधेश अवध के नरेश जहां पर इस रूप में आपका जन्म हुआ, और अवधेश अवध राम का शक्ति केंद्र, और ये शिवली भगवान शिव का शक्ति केंद्र, राम और के राम के बिना शिव और शिव के बिना राम की व्याख्या अधूरी है, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए हमने शिवली से लेकर के उस अयोध्या तक को एक साथ एक धागे में पिरोने का सांकेतिक प्रयास किया है। आप देखें अवधेश आप विराजमान हैं, इस रूप में भी आपका मैं संकेत लेना चाहूंगा, अवधेश का संरक्षण सदा मिला, नहीं कोई किसी से कभी किला, आपने कभी शिकायत नहीं की, चाहे जैसी परिस्थितियां रही हो, आपने उल्टी हवा में भी किसी को खे करके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य किया, ये मैंने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया, अवधेश का संरक्षण सदा मिला। आज इस विशाल आयोजन में आपके अभूतपूर्व योगदान को हम पात्र लोग कभी विस्मृत नहीं कर सकते, आज इस विशाल आयोजन के आप आधारभूत स्तंभ सिद्ध हो रहे हैं, मैं आपको कभी विस्मृत नहीं कर सकता मुन्नू भैया, अवधेश का संरक्षण सदा मिला, और नहीं कोई किसी से कभी किला, राघव के तुम प्राण समान, अब कृष्ण कथा का करो गुणगान, भक्त धन्य। आज इस आयोजन को करने का श्रेय इस पावन माटी को प्राप्त हुआ, इसलिए कहता ये भक्त धन्य और धन्य नगर शिवली धाम, ये भार्गव करता तुमको प्रणाम, ये भार्गव करता तुमको प्रणाम। प्रभु जो कुछ भी जीवन पर्यंत कहा हो आज सब क्षमा कर देना, क्योंकि आज के बाद फिर हमें क्षमा मांगने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, और आने वाले भविष्य के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी यात्रा भी बहुत दिन तक चले, ऐसा मैं नहीं चाहता, अतीत में भी एक दो प्रयास किया लेकिन विफलता ही हाथ लगी, आपकी कृपा होगी तो मुझे भी इस वेश